नमस्कार साथियों, तो चलिए एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में बात करते हैं। अभी जो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड यात्रा हुई, उसी से संबंधित है। साझेदारी पर सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की राजधानी में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते RCEP की बैठक में भारत का पक्ष यह कहकर रखा कि हमारे कारोबार को भी लाभ चाहिए। दरअसल इस समझौते को लेकर विवाद यही है कि इससे कौन लाभान्वित होगा। यकीनन इस ओर कदम पूर्ववर्ती UPA सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उठाए थे, तब भी यह विवाद का विषय बना था। कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी तब इसे पीती शंकाएँ जाहिर की थी। इसके प्रति विरोध करने वालों की दलील है कि अब तक के विपक्षी या बहुपक्षी व्यापार समझौते से देश को कम दूसरे देशों को ज़्यादा लाभ हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तो चीन है। चीन से हमारा व्यापार संतुलन काफ़ी बेमेल है। हमारे यहाँ से व्यापार के मुकाबले चीन से आयात कई गुना अधिक है। यह तो एक उदाहरण है। हाल ही में कृषि पैदावारों के आयात से भी संकट बढ़ा और हमारे किसानों की आमदनी घटी है। सरकार कई बार महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए दलहन तिलहन जैसी कृषि उपजों का आयात करती है और इससे हमारे यहाँ किसानों की उपज के दाम घटते हैं। यह कृषि संकट आज इतने बड़े पैमाने पर हो गया कि मांग की कमी से समूची अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में चली गई। इसलिए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार समझौते इस दौरान लाभ के बदले घाटा ही दे सकते हैं। हालांकि सरकार की दलील है कि हम सेवा क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हैं, इससे हमें लाभ होगा, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में संकट सेवा क्षेत्र का नहीं बल्कि कृषि और उत्पादन क्षेत्र से जुड़ा है। फिर गौरतलब यह भी है कि 10 आसियान देशों के साथ जो 16 देश इस समझौते में शामिल हो रहे हैं, उसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कृषि और उत्पादन क्षेत्र के मजबूत देश हैं। ये देश सेवा क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। इसलिए कितना फायदा होगा यह कहा नहीं जा सकता। अगर यह संभवता होता तो दुनिया में शायद सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता कहलाता। लेकिन संरक्षणवाद के इस दौर में हमें फिर से विचार करना चाहिए कि इससे हमारे किसानों मजदूरों को क्या लाभ होने वाला है। एक तर्क यह भी है कि निवेश बढ़ेगा, लेकिन अभी तक अनुभव यह है कि व्यापार समझौते से निवेश ज़्यादा नहीं बढ़ा, इसलिए सोच विचार की ज़रूरत है। तो चलिए, ये था एडिटोरियल।